एक ऑब्जेक्टिव शीट की शीट में से मैंने कुछ ये ऐसे एक दो शीट दी थी, सॉल्ट शीट्स हैं, इनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ, तो उन क्वेश्चन को देखें, बाकी आप एज अ होमवर्क इसको करें, मैं मार्क करवा दूंगा कौन कौन से करने हैं। पहला क्वेश्चन देखें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर बीटा फ्रिंज विड्थ है, आई नॉट इंटेंसिटी एट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे वैसे इंटेंसिटी बताया क्या होती है, 4I0, यहां पर क्या कह रहा है आई नॉट, तो फॉर्मूला इंटेंसिटी का क्या यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे, आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई यूज करेंगे। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब वाई हाइट पे जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, y इंटू स्मॉल डी वाई, देखो हम जो x बोलते हैं y बोल रहे हैं, तो पार्ट डिफरेंस होता क्या है, p अभी हमने थ्योरी भी करवाई थी, x d बाई डी, इसमें y d बाई डी, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। इस फेज डिफरेंस को यहां पुट कर देते हैं, बीटा का फॉर्मूला लैम्डा d बाई डी, यहां से कैपिटल d बाई डी की रेशियो आ जाएगी बीटा बाई लैम्डा, तो यहां पर पुट कर देंगे बाई लैम्डा आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वही सेम थ्योरी जो भी आंसर दिया था वैसे ही क्वेश्चन है इसका सेम। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, हमने किया था मिसिंग वेवलेंथ वाला क्वेश्चन, कि अगर स्लिट के सामने कोई पॉइंट है, लास्ट लेक्चर में किया था, मिसिंग वेवलेंथ का मतलब वहां पर मिनिमा होता है, तो लैम्डा निकालने रिपीट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करें थ्री, इसमें इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज किया जा रहा है, फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट बाय अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन व्हेन अ माइका शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 एंड थिकनेस 1.964 माइक्रोमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स। मतलब कि दो YDSA एक्सपेरिमेंट है, दो वेव्स हैं, एक के रास्ते में हमने ग्लास स्लैब डाल दी, माइका की शीट डाल दी जो ट्रांसपेरेंट है, तो हमने वो लास्ट टाइम थ्योरी की थी ना, अगर एक के रास्ते में ग्लास स्लैब आता है तो पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। कितने डिस्टेंस से शिफ्ट होता है, इतने डिस्टेंस से शिफ्ट होता है, इसको फ्रिंज शिफ्ट बोलते हैं। लेकिन हमने फॉर्मूला ऐसा नहीं किया था, हमने फॉर्मूला किया था बीटा इज लैम्डा डी बाई डी, तो यहाँ से डी बाई डी की रेशियो क्या है, बीटा बाई लैम्डा, तो यहाँ पर डी बाई डी की जगह बीटा बाई लैम्डा, तो क्या आएगा, म्यू माइनस वन इंटू टी बीटा बाई क्या लैम्डा, हमने ऐसे याद किया था। पर ज्यादातर बुक्स मैंने चेक कर रहा था, मैं फॉर्मूला ऐसे यूज करने की बजाय ऐसे यूज करती हैं, तो आप फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें, फॉर्मूला के बुकलेट में फ्रिंज शिफ्ट जो हमने लास्ट टाइम किया था उसका फॉर्मूला ये भी है, म्यू माइनस वन इंटू टी डी बाई टी, म्यू माइनस वन इंटू टी डी बाई टी, याद करना आसान भी है, पता है क्यों, हमने ऑप्टिकल पाथ से किया था, म्यू माइनस वन इंटू टी डी बाई टी से मल्टीप्लाई,
तो ये टर्म आ गई। अब इसमें इतनी शिफ्ट हो गई जब आपने माइका शीट को किया। अब अगला केस कह रहा है जब माइका शीट को रिमूव कर दिया, अब चलो माइका शीट को रिमूव कर दिया और डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट को डबल कर दिया, कैपिटल डी की जगह 2D कर दिया। इट इज फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा इज नाउ सेम एज द ऑब्जर्व्ड फ्रिंज शिफ्ट अपॉन इंट्रोडक्शन ऑफ माइका शीट। वो कह रहा है कि अगर मैंने कैपिटल डी को डबल कर दिया ना तो बीटा की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। कह रहा है कि जो बीटा डबल हुआ, जो बीटा की नई वैल्यू आई और जो फ्रिंज शिफ्ट हुआ था वो हाइट बराबर है। तो पहले फ्रिंज शिफ्ट इतनी हुई थी और अगर मैं कैपिटल डी को डबल कर दूं तो बीटा क्या हो जाएगा, लैम्डा 2D/D। ये ना अपने बीटा की जगह ओमेगा यूज करता है फ्रिंज शिफ्ट, फ्रिंज विड्थ को डब्ल्यू या डब्ल्यू यूज करता है, विड्थ है ये बीटा। वो कह रहा है शीट के साथ ये फ्रिंज शिफ्ट है, शीट के बिना ये फ्रिंज की विड्थ है, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली बराबर है। तो यहां से लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है लेकिन अंदर कुछ नहीं है इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉ ऑफ मैलस का क्वेश्चन, सर्कल वाला आपने ऑलरेडी कर रखा है, ये कर सकते हो, ये लो नाइन्थ कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि अगर मान लो लैम्प टू कोहरेंट नैरो स्लिट्स एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन सेम फेज आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एट अ स्मॉल सेपरेशन ऑफ 2 लैम्डा। दो सोर्सेज हैं और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, 2 लैम्डा। द लाइट इज कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन एस, तो लाइट जो है वो स्क्रीन एस के ऊपर कलेक्ट हो रही है, विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी, फ्रॉम स्लिट S1, ये रहा S1 से कैपिटल डी। तो स्लिट्स ऐसे की बजाय ऐसे रख दी, ठीक। फाइंड द फाइनाइट डिस्टेंस x, आपको x बताना है, सच दैट द इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू इंटेंसिटी एट पॉइंट O। तो क्या बताना है आपको, इंटेंसिटी P पे और O पे एग्जैक्टली सेम है, ठीक है यहां तक। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। डायग्राम ऐसे बनेगा, यहां से एक वेव गई, यहां से वेव गई, तो पाथ डिफरेंस क्या है इनके बीच में, जो पाथ डिफरेंस है बड़ी वेव में से छोटा वेव का डिस्टेंस। तो कैलकुलेट करने के लिए काम करते हैं, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अब मुझे पता है परपेंडिकुलर तक ये और ये डिस्टेंस बराबर है और ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा है, ऊपर वाली वेव ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करेगी एज कंपेयर टू नीचे वाली वेव, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, सही है। तो इस क्वेश्चन में अगर ये 2 लैम्डा है और अगर ये एंगल थीटा है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस आएगा cos थीटा इज x अपॉन दिस, तो x इक्वल टू लैम्डा cos थीटा। तो पाथ डिफरेंस क्या आ गया, 2 लैम्डा cos थीटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि इसमें जो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में ये 2 लैम्डा है, तो ये पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा cos थीटा। अब मुझे करना क्या है, मुझे P पॉइंट की इंटेंसिटी को O पॉइंट की इंटेंसिटी के इक्वल करना है। अब P पॉइंट की इंटेंसिटी और O पॉइंट की इंटेंसिटी का इक्वल का मतलब क्या है कि इफ इंटेंसिटी एट P इज इक्वल टू इंटेंसिटी एट O, देन मैक्सिमम या मैक्सिमा मस्ट बी ऑब्टेन्ड एट P आल्सो। तो P पॉइंट पर भी मैक्सिमा आएगा। तो अगर O पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है जहां पर N की काउंटिंग 0 होती है, तो P पॉइंट पर फर्स्ट मैक्सिमा आएगा। फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब पाथ डिफरेंस वहां पर क्या होगा, N लैम्डा में N इज इक्वल टू 1, तो 1 लैम्डा, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 1 लैम्डा। सॉल्व करके थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60। थीटा की वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल से, थीटा निकल चुका, टैन थीटा इज एक्स अपॉन डी, तो वहां से एक्स कैन बी कैलकुलेटेड आंसर।
देखो ये क्वेश्चन नॉर्मल एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही है, मेन लेवल क्वेश्चन है ये, पर आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे होगा। वैसे नीट लेवल भी नहीं है, नीट भी इससे नीचे गए, बेसिक आता है नीट, जैसे आप आईडीएससी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर फिर भी चलो एक दो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ किस तरीके से है। बाकी नॉन मेडिकल का देखेंगे, बाकी मेडिकल वालों को देखने की जो कहें शीट को, मेडिकल वाले शीट को नहीं करेंगे, बस जितना सुन लिया बहुत है, ठीक। नॉन मेडिकल वाले ट्राई करना चाहें उसको कर सकते हैं, तो उनके लिए है बस ये, राइट।